सो हे गाइस, आज की वीडियो ना काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ मजेदार से सवालों के आंसर जानने वाले हैं जिन्हें कि आप भी जरूर जानना चाहोगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले सवाल के साथ में, जो कि है सेंट्री वर्सेस होमलैंडर। तो यार, आप सभी ने होमलैंडर का नाम तो सुना ही होगा, इसे देखा भी होगा द बॉयज सीरीज में। अब होमलैंडर ना काफी ज्यादा सिमिलर है सुपरमैन से पावर्स और एबिलिटीज में। अब होमलैंडर को क्रिप्टोनियन मत समझ लेना, क्योंकि होमलैंडर को अपनी पावर्स मिलती है कंपाउंड वी नाम के एक सीरम से। जब ये सीरम होमलैंडर को दिया गया था तब वो एक बच्चा था, और इसकी वजह से होमलैंडर के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी के साथ ही में हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग जैसी और भी काफी सारी एबिलिटीज आ गई। बट जहाँ पे क्लार्क कैंट इज अ गुड गाय, वहीं पे होमलैंडर एक विलन से कम नहीं। एंड अगर हम बात करते हैं सेंट्री की, तो बॉब रेनॉल्ड को भी उसकी पावर्स एक सीरम से ही मिलती है। इस सीरम को लेने के बाद बॉब रेनॉल्ड के पास आ जाती है 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर, और वो बन जाता है सेंट्री। सेंट्री की पावर्स की बात अगर करी जाए तो सेंट्री के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी के अलावा टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, रिजनरेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, रिजरेक्शन, मैटर मैनिपुलेशन और मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन के अलावा भी बहुत सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे सेंट्री है तो एक सुपर हीरो, बट सेंट्री के अंदर का डीमन, उसका अल्टर ईगो जिसे कि वॉइड कहते हैं, वो एक सुपर विलन से कम नहीं है। और वॉइड इतना इवल है कि होमलैंडर भी शर्मा जाए। बट यहाँ पे हम सेंट्री और होमलैंडर की ही बात करेंगे। तो अगर होमलैंडर सेंट्री का सामना करेगा तो देखो भाई, यहाँ पे होमलैंडर की पावर्स काबिले तारीफ है। द बॉयज के यूनिवर्स में भले ही वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, बट जब उसका सामना सेंट्री के साथ में होगा तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं बनता कि होमलैंडर सेंट्री से जीत जाए। लिटरली 1% चांस भी नहीं बनता होमलैंडर का यहाँ पे जीतने का, क्योंकि यहाँ पे सेंट्री के फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो होमलैंडर से कई गुना ज्यादा है, बट इसके अलावा भी सेंट्री के पास काउंटलेस एबिलिटीज है। सेंट्री के पास ऐसी ऐसी एबिलिटीज है जो कि होमलैंडर के पास नहीं है, और ऊपर से सेंट्री इमॉर्टल भी है, इसलिए होमलैंडर उसे कभी मार नहीं सकता। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है लोकी हु रिमेंस वर्सेस डॉक्टर मैनहट्टन के बीच में। तो अगर यहाँ पर हम पहले डॉक्टर मैनहट्टन की ही बात करते हैं, तो डॉक्टर मैनहट्टन को हमने लाइव एक्शन में भी देखा है, और वहाँ पे भी डॉक्टर मैनहट्टन के पास ऑलमोस्ट हर कोई पावर और एबिलिटी है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी होने के अलावा भी डॉक्टर मैनहट्टन टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, फेजिंग और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स को पोजेस करता है। एंड यहाँ तक कि डॉक्टर मैनहट्टन लाइफ तक को क्रिएट कर चुका है अपनी पावर्स से, और अपने वॉचमैन यूनिवर्स में डॉक्टर मैनहट्टन ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन के सामने कोई आम सुपर हीरो नहीं, गॉड लोकी है। अब लोकी सीजन 2 जब से खत्म हुआ है तब से लोकी मार्वल यूनिवर्स में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो बन गया है। अब भले ही वॉचमैन यूनिवर्स में डॉक्टर मैनहट्टन सबसे ज्यादा पावरफुल हो, बट मुझे लगता नहीं कि गॉड लोकी को वो हरा पाएगा। और यहाँ पे लोकी के पास टाइम मैनिपुलेशन वाली पावर्स भी है जो कि डॉक्टर मैनहट्टन के पास नहीं है। लोकी पास्ट में ट्रेवल कर सकता है, फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है, और यहाँ तक कि समय को रोक तक सकता है। और जब से लोकी ने टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करके यद्रासिल बनाया है, तब से लोकी पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बन गया है, जिसके सामने वॉचमैन यूनिवर्स के डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स भी फीकी लगती है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन अपनी पावर्स से बस अपने यूनिवर्स को ही इफेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पे लोकी की पावर्स तो पूरे मल्टीवर्स को इफेक्ट करती है, और इसीलिए यहाँ पे कंपैरिजन की तो बात ही नहीं बनती। बट ये तो हमने बात कर ली मूवीज वाले डॉक्टर मैनहट्टन की। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डीसी कॉमिक्स से डॉक्टर मैनहट्टन की, तो डीसी कॉमिक्स में देखो भाई, डॉक्टर मैनहट्टन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम ही है, बट पावर लेवल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एंड यहाँ पे लोकी की तरह ही डॉक्टर मैनहट्टन के पास भी टाइम मैनिपुलेशन की पावर्स है, और इसी के साथ वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है, वो ओमनी प्रेजेंट भी है। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का आईडिया आप यहीं से लगा लो कि डॉक्टर मैनहट्टन ने डीसी रिवर्स नाम से अपना खुद का एक यूनिवर्स बनाया था, और वहाँ पे जो भी कुछ चीजें हो रही थी उन्हें डॉक्टर मैनहट्टन ही कंट्रोल कर रहा था। एक बार तो डीसी की मेन टाइमलाइन से डॉक्टर मैनहट्टन ने 10 सालों को ही वाइप आउट कर दिया था, और फ्लैश पॉइंट इवेंट से जो यूनिवर्स बना था डॉक्टर मैनहट्टन ने उस पूरी टाइमलाइन को ही इरेज कर दिया। खैर, ये तो चलो यूनिवर्सेस की बात हो गई, बट डार्क नाइट्स डेथ मेटल में तो डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट करने वाली, जिसे कि मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ के नाम से जाना जाता है, उसे
उसे भी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके हराया गया था। और वंडर वुमन ने भी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके एक नया मल्टीवर्स बनाया था। और ये सभी चीजें बड़े आराम से भाई डॉक्टर मैनहट्टन को एक मल्टीवर्स लेवल का सुपर हीरो तो बनाती ही है। और देखो भाई, यहाँ पे लोकी काफी पावरफुल है, बट लोकी को हमने कभी भी इतना कुछ करते हुए नहीं देखा जितना कि डॉक्टर मैनहट्टन कर चुका है। लोकी ने उन टाइमलाइंस को रिवाइव किया और अभी पूरे मल्टीवर्स को अपने बेयर हैंड्स में पकड़ कर रखा है। पर क्या लोकी मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में प्रेजेंट है और उन यूनिवर्सिस में क्या हो रहा है और क्या उन्हें अपनी पावर से बदल भी सकता है, ये अभी जानना बाकी है। बट वहीं पे डॉक्टर मैनहट्टन, जैसा मैं बता ही चुका हूँ कि डीसी रीबर्थ नाम के एक यूनिवर्स को बना चुका है और उसकी हर एक चीज को वही कंट्रोल कर रहा था। और साथ ही डॉक्टर मैनहट्टन की पावर से डीसी मल्टीवर्स को एक बार नहीं दो बार बनाया गया है। और ये सभी चीजें जानकर मुझे यही लगता है कि डॉक्टर मैनहट्टन एमसीयू वाले गॉड लोकी को हरा सकता है। बट फिर भी आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर ही बताना। एंड अगर आपको कॉमिक्स वाले गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी और डॉक्टर मैनहट्टन के ऊपर वीडियो देखनी है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो की होने वाली है स्कार किंग वर्सेज किंग गिडोरा के बीच में। तो देखो भाई, यहाँ पे किंग गिडोरा के बारे में हम सभी जानते हैं, इसे हमने गॉडज़िला की मूवी में देख रखा है। गॉडज़िला से पहले किंग गिडोरा ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का टाइटल होल्ड करता था। बट अगर आपने गॉडज़िला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर देख लिया है तो आपने उसमें स्कार किंग को तो देख ही लिया होगा, क्योंकि अपने कॉन्ग से काफी ज्यादा सिमिलर है और इसे एक ऐसे विलन की तरह मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जो कि गॉडज़िला और कॉन्ग दोनों को पेलेगा। बट हम सभी जानते हैं कि स्कार किंग के अलावा भी मूवी में एक बिग डैडी होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली टाइटन शीमू ही होगा। बट यहाँ पे हम सिर्फ स्कार किंग की ही बात करेंगे कि आखिर ये विलन कितना खतरनाक है और क्या गॉडज़िला को भी इससे डरना चाहिए। और ये जानने के लिए हम इसका कंपैरिजन किंग गिडोरा के साथ में करेंगे। किंग गिडोरा के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, बट जो स्कार किंग है वो एक गोरिल्ला स्पीशीज से बिलोंग करता है जिन्हें की ओरेंगोटान कहते हैं। अब ये बंदा कॉन्ग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मूवी के ट्रेलर में अगर आपने देखा हो तो कॉन्ग के पास एक मेटल से बनी हुई आर्म होती है। एक थ्योरी ऐसी है कि जब कॉन्ग का सामना पहली बार स्कार किंग से होगा तो वहाँ पे स्कार किंग कॉन्ग की एक आर्म को ब्रेक कर देगा और इसीलिए कॉन्ग को ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहनना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि स्कार किंग कॉन्ग के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट हो सकता है, बट अपने गॉडज़िला के लिए वो इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला। और अगर स्कार किंग सामना करेगा किंग गिडोरा का तो देखो भाई, यहाँ पे किंग गिडोरा ना काफी पावरफुल है। लिटरली किंग गिडोरा ने न्यूक्लियर गॉडज़िला को ऑलमोस्ट हरा दिया था एंड गॉडज़िला हम सभी जानते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी कॉन्ग को हरा चुका है। बट स्कार किंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने की गॉडज़िला और कॉन्ग के एंसेस्टर्स को भी हराया है और ये एक वेपन का यूज भी करता है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे लगता नहीं कि स्कार किंग किंग गिडोरा को हरा पाएगा, क्योंकि भाई किंग गिडोरा गॉडज़िला को भी ऑलमोस्ट हराने ही वाला था अगर गॉडज़िला अपनी बर्निंग फॉर्म में नहीं गया होता। बट फिर भी यार, ये तो सिर्फ मैं ट्रेलर देख के बता रहा हूँ, मूवी आने के बाद क्या पता ऐसा हो कि स्कार किंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल निकले। बट फिर भी यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपका कोई सवाल है तो भाई कमेंट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।